बुद्धिया सम विभजंती थम। विदुर जी महाराज ऐसे ज्ञानी थे, मैत्रेय जी महाराज ने उनको बैठाया अपने आश्रम में, स्वागत सत्कार किया। और उसके बाद में यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय जी का बहुत सुंदर उनका संवाद है। विदुर जी महाराज ने उनसे बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न उन्होंने पूछा है कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नतैः सुखम वान्यदु परमं वा विन्देति भूयस् तथैव दुःखम् यदत्र युक्तम् भगवान् वदेन्नः। कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं वो हर एक कर्म सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें सुख की बजाय दुखी ज्यादा मिलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तैय सुखम, उनके जीवन में सुख नहीं मिलता उन्हें। वान्यद उपारम अम्बा बिंदेत भूयस ततेव दुखम, इतना प्रयत्न व्यक्ति दिन रात लगा हुआ है, भाग रहा है, घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल, कथा में टाइम नहीं है उसको। पुरुषोत्तम मास आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कहता है भगवान जी तुम कितने भी कारण देते रहो हमें नहीं सुननी कथा, हमें ये काम ढूंढ लेगा, वो काम ढूंढ लेगा, कोई ना कोई बहाना खोज ही लेगा। कितने भक्तों को हमने बताया कि भैया कोरोना का तो आदर करो कम से कम, ठाकुर जी ने तुमको बचा दिया कथा ही सुनो। बिंदेत भूयस, इतना निरंतर भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे सुख मिल जाए, लेकिन सुख की बजाय उसे दुख ही क्यों मिलता है? और फिर सुख प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि मनुष्य संसार का मनुष्य आज तक यही नहीं जान पाया है कि वास्तविक सुख क्या है और दुख क्या है। वो दुख को ही सुख मान करके भोग रहा है, और सुख में दुख की अनुभूति करके उसको त्याग कर देता है। सोचता है कथा में जाएंगे, 3 घंटे फिर बैठे रहेंगे, फिर बीच में कहीं उठे तो महाराज कुछ कहना दें, कोई पता नहीं, इसलिए अब रहन दो, ऐसी ठीक। श्रीमद् भागवत में उत्तर देती है, सुख प्राप्ति का साधन क्या है, कहां सुख मिलता है? अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। कुतः पुनस्त चरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। कुतः पुनस्त चरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। सत्कर्म करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, लेकिन जब बहुत अत्यधिक सत्कर्म करने से भी दुखों का नाश ना होता तो तुम्हारे जीवन के जितने भी क्लेश हैं, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान श्याम सुंदर की नित्य मंगलमयी कथा को श्रवण करने से तुम्हारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। गुणानुवाद श्रवण मुरारे, इसलिए कुतः पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। तो भगवान की केवल कथा श्रवण करने से ही जीवन के जितने दुख हैं उनके नाश हो जाता है, और उस कथा को श्रवण करने से अगर कहीं भगवान के चरणों में प्रेम का उदय हो जाए तो कुतः पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। अगर भगवान के पादारविंदों में चरणों की रति हो जाए, ठाकुर जी की आप घर में बैठा करके गोविंद की पूजा करें, उनकी सेवा करें, तो फिर तो सौभाग्य की बात ही क्या कहना।
संसार के किसी भी प्राणी से आप पूछो आप क्या चाहते हो, एवरी पर्सन विल गिव ओनली वन आंसर, वी वांट ब्लिसफुल लाइफ, आनंदपूर्ण जीवन की तलाश में दुनिया का हर एक इंसान भटक रहा है, दिन रात लगा हुआ है उसकी तलाश में। वही बात उन्होंने प्रश्न में कही है कि सुखाएं कर्माणि करोति लोके न तई सुखम बान्यतु परमम्बा। किसी भी मनुष्य से पूछो तुम क्या चाहते हो तो वो कहेगा सुख चाहिए मुझे, शांति चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात कहते हो तुम, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग जो सुख मांगते हैं सुख चाहते हैं, तुलसीदास जी ने उनके लिए एक कठोर सदैव कहा, मूल का है, कानों के सुख तो चाहते हैं लेकिन वो सुख रूपी फल जिस वृक्ष में लगता है उस वृक्ष को तुम अपने घर में लगाते ही नहीं। एक व्यक्ति के पड़ोस के घर के हाथे में, हाथे माने जानते हो ना, उसकी बाउंड्री के अंदर में आम के पेड़ लगे हुए थे। चैत्र के महीना आया और पके हुए आम के फल दिखलाई पड़े, और वो बगल वाले ने जिसका आता था उसने बबूल के कांटे लगा रखे थे, बबूल के पेड़ लगा रखे थे। अब बबूल तो जब सूखता है तो उसके कांटे झड़ते हैं नीचे, और बगल वाले में आम के फल लगे हुए थे स्वादिष्ट मधुर। तो उनको देख करके ललचा के कहता है, अपनी पेड़ की ओर देखता है, कहता है यार ये वाले फल हमारे पेड़ में क्यों नहीं लगते, हमारे इधर क्यों नहीं लगते। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, बोले तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां ते हो। तूने अपने घर में पेड़ तो बबूल का रखा है तो बबूल से काटे ही तो जड़ेंगे, आम कहां से हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख रूपी फल जिस वृक्ष में लगता है तू वृक्ष लगाता ही नहीं है। सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता, सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता, मति थोरे कठोरे ना कोमलता, मति थोरे कठोरे ना कोमलता, सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता, सुख चाहे मूढ़े ना धर्म रता। वे लोग मूर्ख हैं जो सुख की कामना तो करते हैं लेकिन वो लोग सुख चाहे मूढ़, वे लोग मूढ़ हैं, सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति जिस धर्म से होती है उस धर्म में अनुरक्त ही नहीं है। सुख चाहे मूढ़ लेकिन ना धर्म रता, धर्म में रत नहीं है, धर्म में रत नहीं है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात आति पात्रताम, पात्रात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। धन के द्वारा धर्म करो, धन के द्वारा तीर्थ यात्रा करो, धन के द्वारा सत्पुरुषों की सेवा करो, धन का ऐसे पवित्र मास में दान करो, कल्याण करो, और उसके द्वारा धना धर्मा, धन के द्वारा धर्म करो, और ततः सुखम, धर्म के द्वारा सुख मिलेगा। धर्म करते नहीं सुख चाहिए तुमको, तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे हुए।